गाइस लड्डू बनाना है मैं बिहू के लिए। ये देखो गाइस, मैंने लिया यहाँ पे सर नारियल, तो आधा मैंने निकल लिया यहाँ पे, तो एक का आधा निकल लिया। तो ये रहा, बहुत ही अच्छे नारियल होना चाहिए। नारियल अच्छा हो तो बहुत अच्छा लड्डू बनेगा। तो ये रहा, नहीं तो बिहू के लिए लड्डू बनाना है। तो आप लोग भी देखते जाएगा मैं कैसे बनाती हूँ लड्डू। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा और, तो देखते जाएगा। तो ये रहा गाइस, नारियल निकलना हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ढूंढी अभी चीनी, तो चीनी मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो। तो गाइस नारियल का लड्डू बनाने के लिए और तो चीनी तो ज़्यादा चाहिए होता है। तो सर नारियल के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 किलो। तो अच्छे से मिक्स करके लूँगी, तो इसके बाद थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगी, तो उसके बाद ही मैंने लड्डू बनाऊँगी। तो गाइस मैंने नारियल के कढ़ाई पे बिठा दिया है। तो नारियल का लड्डू बनाने के लिए सब कढ़ाई होना चाहिए, तो जो भी हो घर में सब्जी वगैरह बनाने वाले कढ़ाई होने से भी होता है, लेकिन सब होना चाहिए। तो इसमें मैंने डाला है इलायची पाउडर। तो सर मैंने इलायची पाउडर लिया था, तो पाउडर बनाकर मैंने दिया है। तो इलायची का पाउडर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे तरीके से इसे ही पूरा चलाना होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा चीनी का डाट होने से मैंने निकल दिया है लड्डू बनाने के लिए। तो थोड़े टाइम के बाद मेरा बन ही जाएगा लड्डू बनाने के लिए रेडी। गाइस मेरा लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट बन गया। तो अब फिर मैंने गर्मा गर्म पूरा लड्डू बनाऊंगी, तो आप लोग देखते जाइए कि कैसे बनती है मेरा लड्डू। तो ये देखिए गाइस, लड्डू पूरा परफेक्ट बन गया मेरा। ये देखो गाइस, लड्डू पूरा कंप्लीट बन गया। तो गाइस मेरे माँ ने अभी बनाई है माँ कढ़ाई। तो ये माँ ने बनाई, तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है माँ ने, तो बहुत ही अच्छा होता है माँ कढ़ाई तो लोहे के कढ़ाई में। तो ये देखो गाइस, ये रहा। तो यहाँ पे गाइस माँ कढ़ाई बनने के लिए यहाँ पे माँ रहेगा, तिल रहेगा और नारियल रहेगा और अदरक सब कुछ, कोई कोई बूट लगाता है। तो ऐसे करके सब मिक्स करके माँ कढ़ाई बनेगा परफेक्ट। लड्डू बनाए और माँ कढ़ाई बनाए कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर।